पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के पहले चरण के चुनाव प्रचार आज थमने वाला है। दोनों ही पार्टियां जमकर प्रचार करने लगी हुई हैं और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि देश में डेंगू मलेरिया खत्म हो गया है, जबकि ममता दीदी की डेंगू मलेरिया से दोस्ती है, इसे हटाना है तो ममता दीदी को हटाना पड़ेगा। वहीं अमित शाह ने आगे कहा कि पुरुलिया में युवाओं को पानी पीने के लिए नहीं मिलता, वहीं युवाओं को फ्लोराइड वाला पानी पीना पड़ता है। बीजेपी की सरकार आएगी तो शुरुआत में ही हर घर जल नल की व्यवस्था करेगी, जैसा कि हमने अपने संकल्प पत्र में वादा किया। वहीं रोजगार पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले कम्युनिस्टों और फिर ममता बनर्जी ने यहाँ के उद्योगों को बर्बाद कर दिया है, बीजेपी ही युवाओं को रोजगार दे सकती है। वहीं ममता बनर्जी का लक्ष्य तो बस केवल इतना है कि उनका भतीजा बंगाल का मुख्यमंत्री बन जाए। अमित शाह ने रैली में एक बार फिर सीए के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यदि भाजपा की सरकार बंगाल में बनती है तो शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी, हमारी सरकार बंगाल में घुसपैठियों को नहीं आने देगी, चुनाव वाले दिन इन टीएमसी के गुंडे किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।